नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर बनने वाले एक दुर्लभ और पुण्य प्रदायक योग के विषय में। जो शास्त्रों में बताया गया है इस वर्ष वह योग बन रहा है, वह बहुत ही पुण्यदायक और बहुत ही दुर्लभ योग है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर छहों तत्वों का सम्मिलित होना, जिनमें भाद्रपद कृष्ण पक्ष अर्धरात्रि काल, अष्टमी तिथि का होना, रोहिणी नक्षत्र का होना, वृषभ राशि में चंद्रमा का गोचर और ये सब कार्य सोमवार के दिन होना, सोमवार के दिन सम्मिलित होना बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है। यह योग इस वर्ष हमें 8 वर्षों के उपरांत 30 अगस्त 2021 को प्राप्त हो रहा है। शास्त्रों में इस योग की बहुत महिमा बताई गई है। शास्त्रों और पुराणों में इस योग दुर्लभ योग को बहुत ही पुण्यप्रद और पुण्य प्रदातक बताया गया है। तो हम सभी को इस दिन मिलकर के भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाना चाहिए। इस दिन आप सभी अपने घर में, जो हमारे घर में लड्डू गोपाल जी होते हैं, उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। उसके पश्चात उन्हें अच्छे और नए वस्त्र पहना करके कुछ सुगंध इत्यादि लगाकर उन्हें झूले में झुलाया जाए और उसके साथ साथ उन्हें दूध, दही, माखन, घी, मिश्री, इन चीज़ों का भोग लगाया जाए। तरह तरह के पुष्प अर्पण किए जाएं। उसके पश्चात इन्हें फल, भोजन, मिठाई, इन चीज़ों का भोग पंचा और इसके साथ साथ ड्राई फ्रूट्स, जो सूखा मेवा होता है, उनका भोग लगाया जाए। इसके बाद आप लड्डू गोपाल जी की आरती करें। उनकी आरती और कर्ण उतारने के बाद, उनकी नज़र उतारने के बाद आप अपना व्रत का उद्यापन करें, भोजन इत्यादि करने के पश्चात, और उसके बाद रात्रि में जागरण करके भगवान श्री कृष्ण के हरे कृष्णा मंत्र का, या कोई भी जो मंत्र आपने ले रखा है ठाकुर जी का, उस मंत्र से आप भजन कीर्तन इत्यादि करें, या आप मंत्र का जाप करें, चैंटिंग करें। अगर हरे कृष्णा मंत्र का आप जाप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, जय श्री कृष्णा जय श्री राधे, राधे राधे श्याम मिलादे, अगर इस प्रकार के मंत्र का भी आप जाप करते हैं तो आपके ऊपर मेरे ठाकुर जी की, मेरी राधा रानी की कृपा सदा बरसती रहेगी और आपके घर में सभी प्रकार की सुख समृद्धि ऐश्वर्य आपको प्राप्त होती रहेंगी। तो ये था, तो इस वर्ष 30 अगस्त 2021 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत और पर्व सब मिलकर के एक साथ बनाएं और ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।